राजू यादव जी जालोन से राधे 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 महाराज जी प्रणाम महाराज जी मुझ अधम को कितना नाम जब करना पड़ेगा कि रोम रोम से नाम निकलने लगे महाराज जी मुझे गुरु जी ने कृष्ण नाम दिया है और हमें राधा कृष्ण दोनों नाम ही से प्रेम है तो महाराज जी मैं अभी क्या करूं कृष्ण कृष्ण जपू या राधा कृष्ण कुछ जप वैसे सिद्धांत के अनुसार गुरु मुख से जो निकला हुआ नाम है उसमें प्रीति करे अगर राधा कृष्ण जपते तो कोई अलग बात नहीं है वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राधा है। और कितना नाम जब करें संख्या का तो कोई विषय नहीं कोई भी श्वास खाली ना जाए नाम श्वास दो बिलक चलत है इनको भेद को भावे श्वास ही नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे रोम रोम तब रग रग बोले तब रोम रोम तब बोलेगा जब हर श्वास में अधिक से अधिक नाम हर श्वास में तुम्हारा प्रयास होना चाहिए श्वास श्वास पर प्रभु का नाम जप करें कोई सांस खाली न जाए श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा न कोई अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है निश्चित रोम रोम से भगवान नाम जागृत हो जाता है जो श्वास श्वास पे भगवान नाम जप करते हैं इतना प्रभाव नाम जप का कि जनाबाई के कंडे जो है किसी ने चुरा लिए थे तो जना भाई उस चुराने वाले से कह रही थी ये कंडे मेरे हैं तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है बोले हम भगवान नाम जब करते हुए कंडा थापती हैं तो हमारे कंडे को कान में लगा के सुनो उससे बिठ्ठल बिठ्ठल निकल रहा होगा तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे उन्होंने जब सुना तो स्वयं कंडा लिया और कान में लगाया तो निकल रहा था बिठ्ठल बिठल बिठल जड़ वस्तु से भी बिठल बिठल नाम निकल रहा विश्वास नहीं होगा ऐसा लगेगा कि कहानी जैसा वर्णन कर रहे हैं लेकिन जो अभी करह है करह स्थान एक स्थान करह है उसमें रामदास बाबा रहते थे तो वो जिस पटिया पे बैठ करके भजन करते थे रात दिन उस पटिया से भगवान नाम स्मरण भगवान नाम की आभा अब मलिनंता करण तो जान नहीं पाएंगे नाम जापक संत का अगर शरीर स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे अंदर नाम चलने लगेगा इतना उसके रोम रोम में नाम का प्रभाव जागृत हो जाता है एक हमारे वृंदावन में स्वामी शरण जी महाराज थे इतना राधा नाम जब किया कि उनके मस्तक पे राधा नाम अंकित हो गया प्रकट हो गया तो अगर हम निरंतर नाम श्वास श्वास जब करें तो सर्वाश्चर्य में घटनाएं घट सकती है नाम में बड़ी सामर्थ है कहाँ लगी नाम बड़ाई और राम न सके नाम गुण गाई स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूर्ण नहीं गा सकते इतनी अपार महिमा नाम की है तो रोम रोम में चलने लगेगा पर हम नाम जप करें नाम जब श्वास श्वास में जितना अधिक जप करें उसी से हमारे हृदय में नाम प्रकाशित होगा पर इसमें लंबा समय लगेगा महीना दो महीना संख्या काम नहीं करती इसमें तन्मया स्थिति नाम रात दिन उठते बैठते नाम चलने लगेगा तो धीरे धीरे पहले नाम जिभ्या में फिर कंठ से फिर हृदय से फिर हर नस नाड़ी में फैल जाता है नाम जैसे हनुमान जी महाराज ने ना दिखाया ना कि हृदय में सिया राम बिरा ऐसे एक नारायण स्वामी गीता नारायण स्वामी की एक जीवन चरित्र निकला उसको पढ़ना वो इतना नारायण जब नाम जब किए कि वो कहीं भी एक प्लास्टिक की नली लिए रहते थे और ऐसे तुम कान में लगाओ कहीं भी लगा दे तो वहां से आपको कान में सुनाई देगा नारायण 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 इतना नाम जब किया कि उनके रोम रोम से नारायण 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 ने आप भी इतना नाम जब कीजिए हर श्वास नाम जब कीजिए पहले पाप नष्ट होगा तब ये नाम का प्रभाव प्रकाशित होगा अब ये दो चार महीना जब किए तो छोड़ दिए व्यर्थ तो नहीं जाएगा लाभ मिलेगा पर उसको अनुभव में नहीं आएगा आनंद का अनुभव तब होगा पहले चुप रहो नाम जब करते रहो पहले पाप नष्ट होने दो फिर पाप की जड़ प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी पाप प्रवृत्ति फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा फिर नाम जपना नहीं पड़ता स्वयं चलता है ऐसे हमारा मन विषयों का चिंतन करना नहीं पड़ता स्वयं करता है क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है ऐसे जब नाम का सुख हमें मिल जाएगा तो नाम जपना नहीं पड़ेगा मन स्वयं नाम जपने लगेगा स्वयं फिर वो सिद्धावस्था की तरफ चला जाता है वो सिद्ध महापुरुषों की गण में खूब श्रद्धा से हर श्वास नाम जप करो नाम का कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता जय वर्मा जी नई दिल्ली से राधे राधे बाबा बाबा नाम जप के साथ और ऐसा कौन सा कर, मार्ग है जिससे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति ब्रह्मबोध ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाना स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये तीनों में नहीं हूं मैं स्वरूप हूं ब्रह्मस्वरूप हूं इसका अनुभव इसके साधन है साधन चतुष्टय वर्णन किया गया है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विवेक होना और संपूर्ण लोगों से वैराग्य होना सम इंद्रियों का दमन दम मन का निग्रह मतलब इंद्री विजयी और मन विजयी, सम दम और श्रद्धा शास्त्र गुरु के वचनों पर तितिक्षा, हर द्वंद को मान अपमान निंदा स्थिति इनको से सह जाना और समाधान चित्त का लक्ष्य पे स्थित हो जाना मुमुक्षता इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है मोक्ष प्राप्त करना है। फिर गुरु की शरण में होकर वेदांत का श्रवण करना और उसका मनन करना संपूर्ण भोगों से वैराग्य विवेक और वेदांत श्रवण तो उसको गुरु कृपा से बोध हो जाए कि मैं ब्रह्म हूं मैं स्वरूप हूं मुक्त हो जाएगा भक्ति का साथ, लेकिन उसमें भी प्रणो जप है उसमें भी प्रणो जप है भगवान का एक नाम ओम भी है ना तो उसमें भी जप, जप के बिना तो कोई मार्ग नहीं है जैसे योग में है तो चित्तवृत्ति का निरोध करके मंत्राकार भगवदाकार में है संसार का चिंतन छोड़ना देखो योगी जिसे परमात्मा कहते हैं ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं भक्त उसे भगवान कहते हैं प्रेमी उसे प्रीतम कहते हैं है तो तत्व एक ही तो सब साधनों में संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में रथ होना संसार के भोगों के सुख से मन हटाकर भगवान में मन उसे चाहे परमात्मा को जो ब्रह्म को तो। तो अगर स्वरूप का बोध हो जाए तो मोक्ष हो जाए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा में स्थिति हो जाए समाधि तो मोक्ष तो तो बहुत से और भी बहुत से मार्ग हैं लेकिन सहज सरल और कृपा का मार्ग भगवान का स्मरण करना है राधा राधा राधा, राधा राम राम हरि हरि भगवान के स्मरण से क्योंकि कलयुग है जितेंद्री कहां हो सकता है देखो ना मनोनिग्रही मन को वश में करना हर कष्ट को सह जाना बहुत कठिन है इसलिए हम जैसे हैं वैसे श्री भगवान के हैं और नाम जप कर रहे भगवान की कृपा से एक होता है जैसे सीढ़ियों से चढ़ के जाना ये होता है ज्ञान का साधन और एक होता है लिफ्ट में बैठ के जाना ये होता है भगवान की शरणागति का साधन तो इतनी सीढ़ियां हैं कि चढ़ते चढ़ते थक जाओगे जैसे एक है तैरकर समुद्र पार होना बड़ा संशय पूर्ण है नहीं है? और एक है कि बोट में बैठ गए जहाज में बैठ गए पार हो गए तो भगवान की शरण में का मतलब है जहाज में बैठ जाना और ज्ञान मार्ग से चलना मतलब तैर कर जाना तो बड़ी मछलियां लील जाएंगी मगरमच्छ है वो लील जाएंगे बड़ी दुर्घटना घट गट सकती है समुद्र में बड़े भयानक जीव है तो ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब संसार समुद्र के बड़े बड़े मगर मत्स्य लील जाएंगे और बोट में बैठे तो उनको देख रहे काम आया क्रोध आया लोभ आया पर वो हमको हरा नहीं पाएगा क्यों हम बोट में बैठे जहाज में बैठे भगवान की कृपा से संसार समुद्र से पार रहे मा मे वे प्रपद्यंते माया वैसे साधन और भी हैं पर उन साधनों के द्वारा आप ही को चलना होगा गिर गए तो बचाने वाला नहीं और इसमें गिर गए तो बचाने वाला है क्योंकि हम भगवान की शरण में है तो वो सदा हमारी रक्षा करते हैं जो भगवान की शरण में है भगवान उसकी माँ की तरह रक्षा करते हैं करो सदा तिन के रखवारी में बालक राखे मातारी तो हमें तो यही लगता है कि भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो बहुत जल्दी मंगल हो जाए ये कलयुग है इसमें और साधनाएं देख लो मन की दशा देख लो कहा जीते हो जो चाहता है वो मन और इंद्रिया करा लेते हैं अब हम ज्ञान की बातें करें तो बातें केवल ज्ञान की होगी स्थिति होगी नहीं तो मोक्ष होगा नहीं अच्छा कुछ ज्ञान नहीं लेकिन राधा राधा बोल रहे हैं अभी शरीर छूटे अभी कल्याण हो जाएगा तो ये सहज सरल और कृपा का मार्ग है भगवान की भक्ति प्रवेश जी दिल्ली से महाराज जी प्रणाम महाराज जी ग्रंथों में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है और जो यज्ञ नहीं कर पाते वो किस मार्ग को अपनाए कि यज्ञ जैसा फल प्राप्त कर ले तो ग्रंथ में जो यज्ञों का वर्णन किया गया है, तो गीता में भगवान ने कहा यज्ञ नाम जप में यज्ञ करना सबके लिए भगवान ने आदेश किया तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन है अब जैसे इस समय आप छोटा हवन भी करना चाहें तो पवित्र घी पवित्र जिसमें खाद ना पड़ा हो ऐसा जौ धान्य पवित्र वृक्ष की लकड़ी पवित्र उच्चारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण पवित्र जजमान ये सब बड़ा कठिन है।, है ना कठिन एक छोटा हवन करने के लिए यज्ञ तो बहुत बड़े उसके लिए तो विशेष धन विशेष आचार्य विशेष व्यवस्था चाहिए तो फिर सब यज्ञ कैसे करें तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है जप यज्ञ अब इसके लिए पैसा की जरूरत नहीं घी की जरूरत नहीं पंडित की जरूरत नहीं वेद मंत्रों की जरूरत नहीं उच्चारण कर राधा 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 यज्ञानाम जप यज्ञ में हम ऐसे नहीं ज्यादा राधा चिल्ला रहे हैं आपको समझ बूझ के <laughs> केवल कोई श्रद्धा ऐसा लेके ऐसे अंधविश्वास वैसे नहीं अब जैसे यज्ञ करनी है सहज यज्ञ आप घर में जो भोजन बनाते हैं वो भगवान को जब अर्पित करते हैं उससे एक रोटी गौ को निकाल लो एक रोटी निकाल के छत में डाल दो कौवा चिड़िया ये चुन जाएंगे दरवाजे में एक मिनट खड़े होके देख लो कोई भूखा प्यासा आसपास तो नहीं दिखाई दे रहा पशु पक्षी मनुष्य कोई प्रणाम करके घर गए और वो प्रसाद पाल यज्ञ हो गई रोज यज्ञ हो रही एक ग्रास जो है ग्रास के लिए प्रत्येक पहले गाँव में तो हम देखते थे पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी पहले रसोई पवित्र बनी पहली रोटी गाय के लिए निकली एक रोटी जो है चिड़िया पक्षियों के आदि के लिए कौआ आदि के लिए निकली फिर जो भोग बनाओ पहले भगवान को अर्पित किया गया और फिर पाया गया तो ये भी यज्ञ हो गई और वैसे सब लोग यज्ञ कर सकते हैं जप यज्ञ जिसमें न पैसा की जरूरत है न सामग्री की जरूरत है कलयुग में सामग्री पवित्र होना बच्चा बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप शुद्ध कह सकते हो जब दाल भी हरे रंग से रंगी जा रही है तो मतलब हर चीज अशुद्ध हो रही है हर चीज तो यज्ञ करना तो बहुत कठिन क्योंकि यज्ञ के लिए सामग्री शुद्ध हो मंत्र शुद्ध हो आचार्य शुद्ध बोलने वाले हो अब आप वातावरण क्या बदल रहा है आप सोचो कि ना तो त्रिकाल संध्या कोई कर रहा है ना ऐसे बिरले कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करते हो नहीं जानते हैं नहीं संध्या किसे कहते हैं अब कौन यज्ञोपवीत धारण कर रहा है सोचो कहा है कोई यज्ञोपवीत धारण कर रहे कि भाई यज्ञोपवीत तो त्रिकाल संध्या गायत्री मंत्र का अनुष्ठान पूरे विधान के सहित अब वो बड़ा कठिन है तो ऐसे आचार्य मिलना है ऐसा नहीं कि नहीं है विश्व खाली थोड़ी पर मिलना बड़ा कठिन है ऐसे आचार्य मिलना जो नशा न करते हों जिनकी धन में रती नहीं जो व्यविचार न करते हों जो केवल वेद मंत्रों के द्वारा जगत कल्याण करना चाहते हैं ऐसे आचार्य मिलना कठिन है समिधा मिलना कठिन है तो यज्ञ तो सबको करना चाहिए पर कलिकाल में यज्ञान जप यज्ञ उसमें जो यज्ञ पूर्णता होती थी वो त्रेतायाम यजतई मखई त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी द्वापर परिचर्याम द्वापर में पूजा की प्रधानता थी सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी कलयुग में नाम की प्रधानता है कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापर परिचर्याम कलौ तदरी कीर्तना भगवान का नाम यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी तो भगवान को भोग लगा के पाओ कोई भूखा दिखाई दे उसके उदर में पवाओ क्योंकि सबके उदर में पाचन तंत्र भगवान ही है अहम वैश्वान रो भूतवा दे ही नाम प्राणिमाश्रिता अग्नि के रूप में भगवान ही सबके उदर में अन्न को पार है हैं पचा रहे हैं तो कोई भूखा हो पाए भोजन पवा दो यज्ञ हो गई भगवान को भोग लगा के पाए यज्ञ हो गई गाय को पवा दिया कौआ पशु पक्षियों को पवा ये यज्ञ हो गई और फिर नाम जप ये सबसे बड़ी यज्ञ यग्य। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी जो जप यज्ञ है सबसे बड़ी यज्ञ समझ पा रहे बच्चा वैसे यज्ञ बहुत कठिन है अब करना बहुत भ्रष्ट सामग्री बहुत भ्रष्ट बनाने वाले तो अब यज्ञ तो बच्चा बहुत ही कठिन है बहुत ही कठिन है यज्ञ यज्ञ के लिए जो नियमावली चाहिए पवित्रता चाहिए जो विवेक चाहिए हाँ ऐसा नहीं कि यज्ञ का भी यज्ञ में जो मंत्रों की आहुति थी उस देवता को आहुति लेके जाना होगा बड़ा यज्ञों का चमत्कार हुआ है हाँ यज्ञ से ही द्रौपदी और दृष्ट जिम्न को पैदा किया द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ यज्ञ से ही सीधे प्रकट हुई थी द्रौपदी जी तो यज्ञ का बहुत बड़े बड़े चमत्कार यज्ञों से हुए और यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए पुत्रष्टि यज्ञ हुई दशरथ जी ने करवाई श्रृंग ऋषि को बुला के तो यज्ञ यग्य से अग्नि देवता प्रगट हुए और खीर दी और खीर का विभाग करके दिया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगट हो गए यज्ञ का बड़ा महत्व तो है तो सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ भगवान ने कहा कि जप यज्ञ है जो सब कोई कर सकता है राम राम सबको ही जप सकता है राधा राधा सबको ही जप सकता है और पैसा एक नहीं लगेगा और इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं इसमें घी की जरूरत नहीं इसमें किसी संविधान और सबसे बड़ी यज्ञ है उसी यज्ञ से भगवत प्राप्ति हो कि न हो संशय है लेकिन इस यज्ञ से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी जप यज्ञ नाम जप यज्ञ प्रेम भरद्वाज जी लुधियाना से राधे राधे महाराज जी महाराजी आपके चरणों में कोटि कोटि नाम महाराज जी मैं जानना चाहती कि मानम जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण मोक्ष होना चाहिए जन्म-जन्म के लिए प्रभु से भक्ति की याचना अगर ज्ञानी है तो मोक्ष चाहता भक्त है तो जन्म-जन्म प्रभु की भक्ति चाहता है दोनों की मांग अपनी अलग है इसीलिए हमारे शास्त्रों में मार्ग बनाए गए हैं योग अष्टांग सांख्य योग, योग भक्ति योग क्योंकि सबकी मांग एक ही थोड़ी होती है प्रेमी मोक्ष नहीं चाहता प्रेमी चाहता है कि भले बार बार हमारा जन्म हो लेकिन आपके प्यार में मैं डूबा हुआ जीवन व्यतीत करूं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न निर्वाण जन्म जन्म राम पद यह वरदान श्री भरत जी महाराज कह रहे मुझे ना अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए मैं बार बार जन्म लू लेकिन हे राम जी आपके चरणों में, में मेरा प्रेम बढ़ता रहे हाँ अगर ये बात भक्त के हृदय में है तो ज्ञानी के हृदय में है कि मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर योगी के हृदय में समाधि होकर परमात्मा स्वरूप हो, हो जाऊं अलग अलग भावना है तो जैसी भावना वैसे ही भगवान का अनुभव होता है कोई निराकार भगवान कोई साकार भगवान अलग अलग तो वही निराकार वही साकार तत्व वही है जैसी भावना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी तो प्रेमी की मांग अलग होती है ज्ञानी की मांग अलग होती है ज्ञान मार्ग मोक्ष चाहता है प्रेमी मोक्ष नहीं चाहता प्रेमी तो चाहता है कि बार बार जन्म हो लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम हो ये अलग अलग है हाँ प्रेमी के हृदय में मोक्ष की चाह नहीं होती वो अपने प्रभु के प्रेम में जो रोना आता है जो प्रभु में तड़पना आता है जो आनंद है वो मोक्ष में भी आनंद प्रेमी को अनुभव नहीं और ज्ञानी को मोक्ष चाहिए तो इसलिए उसके लिए भगवान ने ज्ञान मार्ग दिया है प्रेमियों के लिए प्रेम मार्ग दिया है अब आप क्या चयन करना चाहती हैं देख लीजिए आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं आपको मोक्ष अच्छा लगता हो तो ज्ञान मार्ग और अब ज्यादा समय है नहीं भगवान का नाम जब करो पता नहीं कब शरीर छूट जाए तो हम मार्ग ही केवल किलोमीटर गिनते रहे यात्रा बिल्कुल ना हो तो बेकार हो जाएगा ना समय तो इसलिए हमें लगता है सबसे बढ़िया हाँ बात है भगवान का नाम जब करो भगवान की लीला कथा सुनो और भगवान के भरोसे हो जाओ और वो चाहे मोक्ष दे दे चाहे जन्म जन्म दे दे वो चाहे जैसा चाहे हमको सिर्फ चाहे, हमारा एक काम है भगवान की स्मृति में याद में डूबना ये बात पकड़ लियो तो इसी से ज्ञान का फल मिल जाएगा इसी से भक्ति का भी फल मिल जाएगा जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा स्मरण संसार का विस्मरण और भगवान का स्मरण माया ने क्या कर दिया भगवान का विस्मरण और संसार का स्मरण यही साधना है हमारी कि संसार का स्मरण छोड़ के भगवान का स्मरण करें क्यों मैया समझ में आई बात दिशा शर्मा जी राधे राधे महाराज जी महाराज जी कैसे समझें कि भगवान हमारे साथ हैं और क्या संकेत होते हैं उसके पहले भजन कर किसका प्रश्न है हाँ पहले भजन करे बिना भजन के कैसे समझ में आएगा देखो अगर हम हरा चश्मा लगाएं तो हमें हरा दिखाई देगा काला लगाएं तो काला नीला तो नीला लाल तो लाल और अगर हम एकदम क्लियर स्वे चश्मा तो अब तुम क्लियर देख रहे हो कोई रंग थोड़ी देख रहे हो समझ रहे ना अभी हमारे अंदर तीन गुणों का चश्मा चढ़ा हुआ है दृष्टि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया की जो है ना अभी क्लियर हम नहीं अनुभव कर सकते बाहरी कोई लक्षण आपको संकेत में नहीं बता सकते क्योंकि वो आप ही हैं और वो आप में ही हैं ऐसे हो तो हम बताएं ऐसे हैं और हमारी दृष्टि ऐसे है ना बाहर है ना मायाकृत तो भगवान हमारे संग हैं इसका अनुभव तब तो होगा जब निरंतर स्मरण अव्यावृत भजनात्म अखंड स्मृति तब आपको अनुभव होने लगेगा भगवान हमारे प्रतिपल साथ है कभी बिछुड़ते नहीं है। कहां साथ हैं शरीर से बाहर अंदर बहिरंत भूता नाम अचरम चरमे उच चर अचर में भी है भीतर भी है बाहर भी है कहा सो कहा जहां प्रभु ना ही कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु ना पर हम प्रभु ना देख करके अभी मायाकृत देख रहे हैं स्त्री पुरुष अच्छा बुरा जड़ चैतन्य तो माया में नेत्र है भजन नेत्र जब भजन करेंगे तो उनसे हमारे ज्ञान नेत्र जब प्रकट होंगे तब हम प्रभु को देख पाएंगे जैसे देखो यहां तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा वायु में बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा और आप सूक्ष्म अगर सूक्ष्म दृश्य देखोगे तो इसमें बहुत सी चीजें दिखाई देंगे आपको बहुत से जीवाणु उड़ते हुए नजर आएंगे जैसे सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रहे हो और फिर आप देखो तो उड़ते हुए दिखाई देते ना जरोखे में उसे त्रिशरेणु कहते हैं उससे भी छोटे जो हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं खुले नेत्रों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा परमात्मा सबसे सूक्ष्म है सूक्ष्म तरम जो परमाणु सबसे छोटा है ना अणु परमाणु उससे भी वो छोटा है और मातो वो इतना बड़ा है कि सब जितने ब्रह्मांड है सब उसमें समाये हुए हैं एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड उसके समाये हुए हैं जैसे गूलर के पेड़ में देखो तो गुलर गुलर कितने ऐसे और एक गुलर का फल तोड़ो तो उसके अंदर भुनगा निकलता है ना हम लोग भुनगे की तरह हैं और ये ब्रह्मांड हैुलर की तरह भगवान में लगा हुआ है दिखरावा माते है अद्भुत रूप प्रचंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद इतने तो बड़े हैं और छोटे इतने हैं कि जो हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते उसमें भी वो आराम से शयन कर रहे हैं मतलब ऐसा समझ लो कि चीटी से भी छोटी जो वज तो उसमें भी भगवान पैर फैला के सो रहे इतने छोटे अणो अणियान महतो महयान वो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा है और वो सर्वत्र है वो सब में है तो हम में भी है सर्वत्र है तो यहां भी है वो सर्वशक्तिमान है इसलिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं पर इतना अनुभव के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र तो हो अभी हमारे न, माया नेत्र है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रभु है फिर भी अगर आप प्रभु का भरोसा रखते हो तो किसी न किसी रूप में प्रभु आपको संकेत दे देंगे आपको लगेगा कि तो भगवान ने ही बचा दिया ये तो भगवान ने सहयोग किया पर हम लोग समझ नहीं पाते हमारी दृष्टि व्यक्ति पे रहती और वो भगवान किए और हम व्यक्ति समझ लेते बाद में आता है कि यार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है ये तो भगवान ही थे पर मन बर्दाश्त नहीं करता विश्वास नहीं है ना कि भगवान कैसे हो सकते है बकाया हर क्षण भगवान आपकी मदद कर रहे सबकी हर क्षण भगवान सबके पास है पर अनुभव वही कर सकता है जो भगवान का भजन करता है और भजन भी ऐसा तन्मयाहा तन्मय होकर भगवान में लगा तो अनुभव हो रहा मेरे भगवान हर समय मेरे साथ है बिल्कुल पक्का समझो भगवान एक क्षण भी आपसे बिलग नहीं पर यह अनुभव तब होगा मतलब आप कहीं भी पैर रखे आधार तो पृथ्वी है ना तो सबका आधार भगवान है ये बिजली जितनी यंत्रों को चला रही है वो एक ही है वो एक ही परमात्मा है ये सब चल रहे हैं यंत्र ये सब यंत्र है और इनमें बैठा एक ही परमात्मा है वो अलग हो तो हम जाने कि वो संग है कि नहीं अरे वही है।, वही है वही है बस जो हम है ना ये हटे मैं हटे तो वो प्रकाशित हो जाएगा जो है वो है इनमें है आप में है कोई कण ऐसा नहीं जाना हो परमात्मा कण कर में कहा जाता है ना पर यह भजन से बच्चा अनुभव होगा इसके लिए दृष्टि चाहिए अब इसके लिए ऐसा कोई बाहरी प्रमाण वस्तु जैसा तो नहीं है ये देखो ये तो यहां ये जो कहोगे तो उसका नाम रूप है बोले इसमें तो ये घड़ी है ये समय बताती है बोले ये व्यक्ति है बोले ये हर वस्तु का नाम रूप और क्रिया है और वो हर वस्तु के नाम रूप क्रिया से बिलग है और हर वस्तु नाम रूप क्रिया में वो समाया हुआ है परमात्मा कितना गूढ़ विषय है कि सबसे परे और सब में भरे ये अनुभव जब होता है तब दिखाई देता है कि परमात्मा हर समय मेरे साथ है पर इसके लिए भजन चाहिए जितना भजन करोगे तब भजनानंदी महात्माओं के साथ भगवान रहते हैं एक बार जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा जो भक्त चरित्र सुनते रहते सत्संग सुनते रहते उनको परिचय होगा तो माधोदास बाबा ने कहा जगन्नाथ स्वामी से कि प्रभु अब हम जा रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन करने तो बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते अगर आप भगवान के बिना नहीं ले सकते ना तो भगवान आपके बिना नहीं ये था माम प्रपद्यंते तो बाबा ने कहा कि हम आपको नहीं ले जा पाएंगे भिक्षा मिले कि ना मिले आपको भोग लगाना पवाना हमारे बस की बात नहीं हम तो आपके सहारे हैं मिला मिला ना मिला ऐसे ही सो गए लेकिन आप साथ हो गए तो फिर ऐसा नहीं होगा आपको भूख पवाना पड़ेगा नहीं ले जाएंगे बोले बाबा एक बात बता दे तुम्हारे भी नाम रह नहीं सकते बोले जय जय आपको चलना नहीं पक्की बात तो हम ब्रज ही जाएंगे और सुबह चल दिया थोड़ी देर ही चले तो भूख लगे आई उनका ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भूख लग और इतनी भूख लगे आई कि चलना मुश्किल हो गया तो एक माई से कहा माई यद्यपि समय भोजन का समय नहीं पर क्या आप मुझे भोजन बना के पवा सकते हो अरे उनका संत तो आप मांग रहे हो हम क्यों नहीं पवा सकती अभी बनाती तो जल्दी से उन्होंने भोग बनाया और बाबा को दिया बाबा ने विचार किया कि जीवन में कभी हमें भूख ने इतना परास्त नहीं किया जितना आज किया अब वो पाने लगे तो वो माई बैठ करके जो परोस रही थी वो रो रही थी तो बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो क्या परेशानी है बोले हम अपनी परेशानी से नहीं रो रहे ये तुम्हारे साथ जो नवीन बालक खा रहा है कितना सुंदर है इसकी मां कैसे रह पाएगी ये तुम इसको लिवा के ले आए तो उन्होंने अपनी जब प्रेम दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी तो उनका प्रभु मना किया था आप बताओ किशोर रूप भगवान साथ में भोजन पा रहे हैं। भगवान एक क्षण के लिए भी अलग होना मंजूर नहीं किया जगन्नाथ जी महाराज माधोदास बाबा के साथ बाबा को जब एक संग्रहणी रोग हुआ बार बार सोच तो अब एक दो चार सोच में तो आदमी ढीला हो जाता है उनकी बार बार सोच हो रही थी तो देखा आंख जब खुली तो लंगूटी धो धोकर समुद्र से फैली हुई थी उन्होंने कहा कि मुझे किंचन के पास तो कोई नहीं है ये कौन जब गौर से देखा तो पीताम्बर का साफा बांधे जगन्नाथ भगवान माधोदास बाबा की मल भरी लंगोटी धो रहे थे अरे उनका जय जय आप ऐसा तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या हमारे सिवा बोले नहीं प्रभु आपके से तो बोले जिसका कोई नहीं होता तो सेवा भी तो मैं ही करता हूं तो अनुभव हो रहा है ना कि जगन्नाथ जी साथ है क्योंकि वो भगवान भगवान के भजन में डूबे हुए है। भगवान के किसी से संबंध नहीं हमारा भी बड़ा प्रपंच है संसार में बड़ा संबंध है और भजन हो नहीं रहा तो हमें प्रपंच दिखाएगा यद्यपि भगवान हमारे साथ है क्योंकि ये फिर ये सिद्धांत खत्म हो जाए ना कि भगवान अगर हमारे साथ नहीं हमारे पास नहीं है तो फिर ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा वासुदेवा सर्वम सब जगह भगवान है जब सब जगह भगवान तो हमारे पास भी भगवान है पर हमें अनुभव तभी होगा जब हम भजन करेंगे भगवान के शिवा किसी अन्य से संबंध नहीं रखेंगे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तब समझ में आएगा भगवान मेरे साथ है प्रतिपल मेरे साथ है कबड्डी में कोई मेडल जीता है तो आपको हिमाचल प्रदेश से इन सब बच्चों को एक एक दुपट्टा पहनाओ सबको प्रसाद दो और हम बाणी का प्रसाद ये देते हैं कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है अध्यात्म से जुड़ा होता है वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है आज अगर हम परास्त हैं तो कल हम विजय को प्राप्त होते हैं हमारे अंदर जो भागवती उत्साह है वो इस माया की मलिनता के कारण दब गया है वो अगर उत्साह जागृत हो जाए तो कोई भी क्रीडा या कोई भी क्षेत्र उसमें विजय ही विजय है यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्धुआ नेतिर्मतिर्म तो आप लोग चरित्र को पावन रखें आहार को शुद्ध रखें और विचार अपने उन्नतिशील रखें कभी निराशा विचारों में मत आने दें और जिस विषय में हमें प्रवीण होना है उसका अभ्यास जरूर चाहिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन इसलिए हुए कि जब सो जाते थे सब तब वो रात्रि में धनुर् अभ्यास करते थे धनुर्विद्या का तो हम जिस क्रीड़ा में लगे उसका अभ्यास इतना प्रवीण हो जाना चाहिए सामने वाला हमारे अभ्यास को नष्ट न कर पावे हमारे अभ्यास को परास्त न कर पावे पराजय उसी की होती है जो अपने पर विश्वास करके अभ्यास में शिथिलता ले आता है अपने पर विश्वास करे लेकिन अभ्यास में शिथिलता नहीं आनी चाहिए और अगर अभ्यास में शिथिलता नहीं आई तो विजय हमारे हाथ में है उसके लिए चरित्र पावन अर्थात ब्रह्मचर्य और आहार शुद्ध और हमारे विचार कभी निराश न होने पाए हताश न होने पाए उत्साह संपन्न मदिर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सूरम कृतज्ञ दृढ़ सौह्रदय जब हमारा उत्साह संपन्न होगा तो लक्ष्मी स्वयं याति निवास हे तो जहां विजय श्री लक्ष्मी सब वहीं आ जाती है जहाँ हमारा उत्साह संपन्न होता है अभ्यास दृढ़ होता है और हम संयमी होते हैं जहां संयम छूटा विचार न्यून हुए विचारों की न्यूनता हुई तो विजय भी हार के समान ही है अगर संयम सही है अभ्यास ठीक है तो एक बार अगर हार भी हो जाती है तो आखिरी विजय में ही पहुंचाने वाली होती है इसलिए आप सब हमारे भारत के निधिया हैं। आप और उन्नति करें और यश कमाए नाम जप करें ब्रह्मचर्य से रहे चरित्र को पावन रखें तो अध्यात्म जागृत होगा जो तुम्हें लोक और परलोक दोनों जगह सुख प्रदान करेगा सब बच्चों को ये जी, बरसाना से। ठीक है। राधा वल्लभ शेर वंश गुरुदेव आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम हे गुरुदेव आपकी कृपा से बरसाना वास कर रहा हूँ और आपकी अनुसार नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ हे भगवान आपके श्री वचनों के बल पर मैं अपने मन के विचारों से लड़ पाता हूं परंतु मन की एक वृत्ति मुझे बार बार परास्त कर देती है वो है मोबाइल में समय बर्बाद करना करके मैं ऑफिस के का... सभी कार्य मोबाइल का उपयोग करना है है। आ... तो जैसे ही पड़ता है क्योंकि है है। नाम में प्रीति नहीं है नहीं बहुत बुरा लगेगा बहुत बुरा लगेगा जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए वो व्यक्ति वो वस्तु वो पदार्थ वो वृत्ति दुश्मन की तरह चुभती है भक्त को जाके प्राम बै देता कोटि बैरी सम यद्यपि परम शने करोड़ों दुश्मन के समान उसका त्याग तो मोबाइल शत्रु नहीं है मोबाइल मित्र है मोबाइल से आप एकांतिक सुन सकते हैं मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं तो आप भागवतिक बातें क्यों नहीं देते देखते जब भक्त है आप गलत क्यों प्रयोग करते हैं मान लो गेम खेलना इधर उधर के सीरियल देखना इधर उधर की बातें देखना वो आपके ऊपर है ना तो आप शासन कीजिए अपने ऊपर आप इतनी छूट अरे जब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले मोबाइल की रचना नहीं हुई थी तब क्या भारत नहीं जी 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 नहीं रहा था क्या कोई आज मोबाइल रच गया तो सब इंटरनेट में ही मोबाइल में ही प्रपंच देखने में समय नष्ट करते वो सहयोगी भी है उसमें गुण भी है अब पहले था कि किसी को खबर भेजनी तो कार्ड पोस्ट कार्ड डालकर महीना पंद्रह दिन में चिट्ठी पहुंचती थी मिनट के अंतर में अमेरिका में बात कर लो कितना मतलब सहयोग हो गया वो जब कभी कोई इमरजेंसी होता था तो तार आता था तो बोले उनके यहां तार आया है कोई घटना जरूर घटी है अब यहां एक मिनट में लगाओ नंबर कहीं भी बात कर लो तो मोबाइल हितकारी भी है मोबाइल से केवल नुकसान ही नुकसान हो ऐसी बात नहीं मोबाइल से ही सुनकर आप लोग जुड़े हो मोबाइल से सुनकर आप लोग आए हो नहीं तो हमारे सत्संग को इतने लोग बैठे हैं अगर यही जो बात हम आपसे कह रहे हैं ये कई लाख लोग सुनेंगे मोबाइल से सुनेंगे ना ये कई लाख लोग तो यहां नहीं बैठ सकते छोटी जगह है लेकिन इसका लाभ बड़ा हो रहा है भारत के लोग विदेश के लोग भी इसको सुन रहे हैं मोबाइल से तो सुन रहे हैं तो मोबाइल को हम दोष ना दे हम मोबाइल में दोष दर्शन न करें मोबाइल में जो दोष भरा हुआ है उसका दर्शन ना करें कितना बढ़िया है कल क्या सत्संग हुआ था अभी आप सुन लो मोबाइल में एक महीना पहले क्या सत्संग हुआ था वो भी सुन लो तो मोबाइल बुरा नहीं है मोबाइल का प्रयोग बुरा आप करते हो तो बुरा है इसको तो बहुत ये चुभना चाहिए ये कष्ट होना चाहिए यारे यार समय बर्बाद हो रहा है समय से कीमती क्या चीज हो सकता है ये फिल्म है ये सीरियल है ये नोटंकी नाटक है ये हंसी मजाक की बातें हमारा समय बर्बाद हो रहा है हम नामजप करेंगे हम सत्संग सुनेंगे और जब मन कह रहा है कि हमको ये देखना ही है तो धीरे से बटन स्विच वाली में तुम्हारा अंग उठा जाए ऑफ कर दिया नहीं देखेंगे ऐसे जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा मन कह रहा है अब ये सीरियल देखना है अब हमको गेम खेलना है अब हमको ये हमारा हाथ सीधे ऑफ में जाए मोबाइल ऑफ कर करके रख दिया नहीं देखेंगे राधा 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 ऐसे लड़ा जाता अगर लड़ोगे नहीं तब तो फिर गिरा देगा फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखने लगेगा मन फिर गंदा व्यवहार आ जाएगा आ जाता है हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना है इसके बाद उसको बंद करके रख देना ज्यादा मोबाइल का पर कुछ लोग तो लगे ही रहते हैं मोबाइल में लगे। बात कर रहे हैं तो 20-20 मिनट बात कर रहे हैं मोबाइल से भी आवश्यक बात बोलो इसके बाद बंद राधे श्याम तो हमें लगता है कि मोबाइल दोषी ही नहीं है गुण भी है उसमें गुण को स्वीकार कर लो दोष का त्याग कर लो हाँ बढ़िया बात है आप... जी वैसे बहुत साधक के लिए महाराज बहुत एक दुश्मन की तरह हो गया है हाँ। सबसे बड़ा दुश्मन हो गया महाराजी बाहर के संग से बच सकते हैं बट इतना प्रपंच हो गए रील्स वगैरह इंस्टाग्राम आदि हमसे बच्चे मिलते रहे तो देखो एक तो दृश्य अजामिल ने देखा जंगल में बस उसी दृश्य ने अजामिल को बेविचारी बना दिया अब मोबाइल में हर दृश्य है आप जो सर्च करो वो सब आ जाएगा अगर ऐसे दृश्यों को देखें नौजवान तो उनकी हालत क्या हो जाएगी तन्मयता आती जो हम सुनते जो हम देखते हैं उसी में हमारा मन राजी हो जाता है तो फिल्में गंदी बातें गंदी चेष्टाएं ये भी सब हैं उसी में तो जो ऐसे देखते हैं अपने भारत की फिल्मों में तो कुछ मर्यादाएं थी अब धीरे धीरे कोई ऐसा सीरियल नहीं जिसमें गंदी बात ना दिखाई जाए कोई ऐसा सीरियल नाटक नहीं जिसमें गंदी क्रिया को एक सीमा तक न दिखाया जाए अब वो नए नए बच्चे बच्चियां परिवार के सदस्य सब वही दिमाग में भरा कि यही सुख है और अब वो उसको और खुला सर्च करें तो विदेशों में खुला बातें हैं अपने हाँ तो थोड़ा मर्यादा भी है अब वो जब विदेशी बातें देखेंगे तो दिमाग में वही वासनाएं जागृत होंगी और साधक नष्ट हो जाता बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाता है आज साधुता बचाना बहुत कठिन है क्योंकि आहार गलत और व्यवहार गलत जिससे बचने के लिए हम बाबा जी बने किससे बचने के लिए संबंधों से प्रपंच से संसार से और वो सब उसी में भरा हुआ है न जाने कितने फोन नंबर न जाने कितने से परिचय न जाने कितनी प्रपंच तो अब आए थे भजनन को उठे लाख कपास यही माया में फिर उसी में फंस गए चिंतन खाली ने हमने देखा है कुन्न कुन हो रहा है यहाँ छाती से लगाए हैं मोबाइल छाती से ऐसे जैसे भगवान की छवि ऐसे छाती में मोबाइल लगा हुआ है रात में सो रहे हैं कानों में वो लगा हुआ है छाती में मोबाइल रखा हुआ है ऐसे अब कब भगवान का चिंतन करेंगे? यही तो चिंतन के लिए एकांतिक समय होता है सोते जागते उठते बैठते चलते भगवान अब चल भी रहे तो मोबाइल नहीं कितना बहिर्मुख जीवन कर देता है तो हमें बहुत सावधान रहना काम उससे जो लेना वो काम लेकर उसका स्विच ऑफ कर देना है बहुत सावधानी की जरूरत है नहीं मोबाइल से बहुत समय बर्बाद होता है जैसे आप जो नियम दिए हैं वो पूरा होता है या अधिक समय मिल जाता है है, तो दो मिनट के लिए मोबाइल तो तो वैसे एक नियम हम दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता है हर श्वास नाम जप करना ये हम सबको दिए कि ग्यारह माला तो ये तो प्रारंभिक साधन के लिए है लेकिन हर श्वास नाम जप करना ये सत्संग में और एकांतिक में जैसे आपने पूछा तो अभी वो तो ये नियम पूरा कब करोगे इसका अभ्यास कब करोगे नियम सब प्रेम के लिए है अगर प्रेम न उत्पन्न हुआ तो नियम का मतलब क्या रहा और जो मंत्र जो नाम हर समय चलाया जाता है उसी से प्रेम प्रकट होता है तो आप खाली बैठने का स्वभाव ही मत रखिए हमारा नियम है हमारा श्वास नाम जब करेंगे हम जिंदगी में माला से जब किया है गुरु जी ने जब गायत्री अनुष्ठान दिया था और कुछ नियम तक माला लिए इस बात हमारा जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहा है कि हम एक मिनट भगवान का विस्मरण नहीं होने देंगे इसलिए माला भी नहीं उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम हर समय मंत्र तो हमें फुर्सतें नहीं मिली हमें समय नहीं तो अभ्यास किया साउंड चल रहा है हमारा नाम चल रहा है तुम्हें बैठकर हम उपदेश कर रहे हैं हमारा नाम चल रहा है हम तुम्हारे मस्तक में ही नाम लिख रहे हैं अभ्यास करना अगर नाम भूल गए अभी मर गए तो अभी दिल फेल हो गया तो हमारा तो जीवन तो बर्बाद हो जाएगा हर समय भजन पता नहीं कब मृत्यु आ जाए थोड़ी देर मनोरंजन करो मन का किसमें संतों की बातों में संतों के संग में सत्संग चला लिया एकांतिक सुन लिया या भगवान की कोई परम पवित्र लीला कथा जैसे हम कहते हैं कि रामायण आप देख लियो आपकी हानि नहीं होगी महाभारत देख लियो आप हानि नहीं होगी क्योंकि उसमें भगवान कृष्णा देख लो हानि नहीं होगी उसमें क्या होगा कि बार बार स्मृति आएगी मेरे भगवान राम जी वैसा ऐसा भगवान की इन किन प्रकार स्मृति आना हमारे लिए मंगलमय जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से भगवान का विस्मरण हो जाए वो हमारा दुश्मन है वही माया है वो हमको भगवान से विमुख कर करके और बार बार ये इस चीज को लेकर मुझे परास्त कर रहा है मेरा मन बाकी पाती चीज में लड़ पाता मैं आपके में प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए कोई दंड विधान कर दीजिए कि अगर मैं मोबाइल देखूंगा तो शायद मैं मेरा ही मन सुधल जाएगा प्यार और दंड में बड़ा अंतर होता है दंड में भयवश नहीं होता प्यार में एक प्रेम का अपना प्रभाव होता है हमारी प्रियाजू के अधीन लालजू प्रेम के वसीभूत है प्रेम का बहुत बड़ा भय होता है कि अगर मैं अपने गुरुदेव अपने प्रिय से के विरोध में चलूंगा तो मुझे कभी प्रीति नहीं प्राप्त होगी उनकी यही सबसे बड़ा भय प्रीति का भय भय बड़ा होता है कि हमारे द्वारा एक भी मिनट अब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमने जीवन गुरुदेव को दे दिया राधा 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 हाँ खूब जब मन ना लगे तो सो जाओ भले लेट जाओ लेकिन गंदी बातें या मोबाइल आदि समय नष्ट हो क्योंकि सो गए तो इंदिरा पुष्ट होंगे जब फिर जगेंगे तब तो फिर भजन करेंगे लेकिन हम गलत आचरण नहीं करेंगे ब्यास भरोसे कुंवरि के सोवत पाव प्रसाद लेकिन हम गलत नहीं जाएंगे नहीं कब तो थोड़ो भजन कब हो विशाल मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल तो बढ़िया बात बन जाएगी जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अब मेरा जीवन का समय गुरुदेव को समर्पित है गुरुदेव के समर्पित समय को मैं नष्ट नहीं कर सकता मैं उसको भगवत स्मरण में ही लगाऊंगा नहीं मन लग रहा तो मंदिर चले जाओ खाली हुए लाडली जी दर्शन करो वहीं बैठे हैं प्रियालाल के महल में बैठे हैं मोबाइल को देखने से क्या है आवश्यक काम का प्रयोग करके उसको शांत रखो और धीरे धीरे मन को हटाया जाता है आज से मोबाइल एकदम नहीं देखेंगे फिर परेशान हो जाओगे आप आधा घंटा देखते हो दस मिनट छोड़ो बीस मिनट देखो फिर एक महीना व्यतीत करो फिर दस मिनट और हटा दिए दस मिनट देखा फिर पांच मिनट हटा दिए फिर बंद कर दे ऐसे जीता जाता है विषयों में जो एकदम कसम खा लेते हैं दस बीस दिन के बाद एकदम टूट के फिर उसी में गिर जाते हैं विषय है धीरे धीरे छोड़ा जाता है भजन बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे छोड़ा जाता है आज के बाद एकदम कसम खाली मैं ऐसा नहीं करूंगा नहीं चलेगा महीना दो महीना मुंह भरा गिरोगे धीरे से उसे धीरे धीरे क्रम क्रम करके जितना छोड़ते चले जाओ फिर उसको दोबारा स्वीकार न करो तो विषय पर विजय प्राप्त कर लोगे समझ गए